Hey kids, how are you all? I am Nisha teacher from Ashwamedh Vidyalaya. We have completed chapter number 11 in our maths book. So today we will start with our chapter number 12. Students, we have met after many days, right? हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिले हैं, है ना? So आपके exam, आपके इतने सारे days और इतने जो festival गए वो कैसे रहे? आई होप वो सब अच्छे रहे होंगे, है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12, मनी. यस, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मनी? मनी मीन्स क्या? पैसा, राइट? पैसा होता है ना. हमने पैसे सबने देखे ही होंगे, राइट? हमने कॉइन्स देखे होंगे, हमने नोट देखी होगी. अभी अभी हमारी जो नोट्स है, यानी कि पैसे की नोट है, वो चेंज भी हुई है, है ना? जैसे कि पहले 500 की, 1000 की जो नोट थी वो अब बंद हो गई. अभी नई 500 की और 2000 की नोट आई, है ना? सो पैसे क्यों काम आते हैं? पैसे हमें चीज़ें खरीदने में काम आते हैं. अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हमें पैसों का यूज़ करना पड़ता है. फिर कॉइन्स के कितने साइड होते हैं? 2 साइड्स, राइट? वन साइड पे नंबर लिखा होता है 5 रुपीज़, और दूसरे साइड पे हमारा इंडियन सिंबल होता है, है ना? सो लेट्स स्टार्ट. कॉइन्स करंटली इन इज यूज इन इंडिया. करंटली हम कौन कौन से कॉइन्स यूज़ करते हैं? सी, पहले ना 25 पैसे के कॉइन आते थे, 50 पैसे के कॉइन आते थे, है ना? पहले सब सस्ता था तो हमें 25 रुपीज़ के कॉइन, पैसा, 25 पैसा बोलते हैं ना, 25 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, है ना, वो पैसा का हमें कॉइन भी मिलता था. अब वो सब बंद हो गया है, है ना? कौन सा? 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ के कॉइन, है ना? अगर सपोज़ हमें एक पेंसिल ख़रीदनी होती है तो हम दुकान वाले के पास जाएंगे, हम उनसे बोलेंगे, अंकल प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, अंकल मेरे को पेंसिल चाहिए या फिर मने पेंसिल जो ये, ऐसा बोलते हैं ना. फिर हम वो पेंसिल हमें ऐसे करके देता है. हम पूछते हैं कितने रुपए की पेंसिल है भैया, या फिर कितने रुपए की पेंसिल है अंकल, तो वो बाद में हमें बोलते हैं कि ये तो 5 रुपीज़ की पेंसिल है. और अगर हमने एक ली तो 5 रुपीज़ देना है, अगर हमने 2 पेंसिल ली तो 10 रुपीज़ देना है, है ना? पूरा बॉक्स लिया तो उसका 50 रुपीज़ देना है, या फिर जो भी उसका प्राइस हो वो देना है, है ना? नाउ अभी हमारे इंडिया में कौन कौन सी नोट चल रही है? नोट्स करेंटली इज यूज इन अवर करेंसी. करेंटली जो हमारी नोट्स चल रही है कौन कौन सी है वो देखो. 5 रुपीज़ की नोट, 10 रुपीज़ की नोट, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़. बाद में 500 की नोट नहीं दी है क्या इधर पे? नहीं 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 दी है. फिर 500 की नोट एंड 2000 रुपीज़ की नोट, है ना? अगर हम अभी सपोज़ कि हम वेजिटेबल्स ख़रीदने गए और वहाँ पे 75 पैसे हुए तो हम एक 50 रुपीज़ की नोट देंगे, 20 रुपीज़ की, और 70 हो गया, और 5 रुपीज़ का कॉइन देंगे. अगर ऐसे नहीं देंगे तो अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है तो हम उनको 100 रुपीज़ दे देंगे. फिर वो हमें माइनस करके पैसे क्या करेंगे, हमें फिर उसे ले लेंगे जो हमें वो रिटर्न नोट्स देंगे वो, है ना? तो इस तरह से हमने नोट्स देखी है, है ना? हम अलग अलग तरीके से, जैसे कि अगर हमें 100 रुपीज़ देने हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 100 की नोट ही रहनी चाहिए. हम 10-10 की 10 नोट्स भी देंगे तो भी उसमें क्या होगा, तो भी उसमें चल जाएगा, है ना? सो किड्स,
आपके मम्मी और पापा के पास थोड़े से पैसे होंगे, आप वो देखो, मम्मी को बोलो कि मेरे को ये सब नोट्स कॉइन्स वगैरह बताए, है ना। यहाँ पर नोट्स में भी एक साइड रुपीज़ लिखा होता है और दूसरी साइड अलग कुछ चीज़ें ड्रॉ की हुई होती है, कोई पिक्चर दिया हुआ होता है और ऊपर ऐसे 50 रुपीज़ वगैरह या फिर जो भी नंबर है वो दिया रहता है ना। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने मम्मी पापा के पास नोट्स चेक कर सकते हो। ओके देन किड्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय।